इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इसलिए लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लिए लाया हूँ ये अल्टरनेटर, और इसकी फील्ड चेक करेंगे। इसके जो तार हैं वो जो परिक वाली तार है वो टूट रही है और कुछ बोल नहीं रही, तो चेक करेंगे किस वजह से नहीं बोल रही, कितनी रेजिस्टेंस बोल रही है और क्या क्या दिक्कत है। और देखते हैं, आप देख सकते हैं कितने के वी का अल्टरनेटर है और कितने बोल्ट लग रहे हैं इसमें। तो इसके सारे तार खोल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ काम की चीज़ होती है वहीं हम थोड़ा बोलते हैं, तो आप वीडियो को पूरी देखें जिससे कि आपकी समझ में आए किस किस तरीके से खोला। तो हमने इसका पोल बाहर निकाल लिया है, तो देखें इसमें पानी भी गया हुआ है, देखें जंग भी लग रहा है। अब इसमें दोनों बोल्ट है, ये दोनों बोल्टों को लगा के ये देखें इस तरीके से आप पटकोगे तो ये हमारी कोयल निकल जाएगी। ये देखें हमारी कोयल बाहर हो गई, ये पेपर इसमें लगे हुए हैं, तो ये देखें ये निकल चुकी है। अब इसको हम खोल के कॉपर निकाल के देखेंगे, इसका कॉपर है इसमें एल्युमिनियम है और क्या है, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है या कहीं से गली हुई तो नहीं है। क्योंकि जब हम इसकी कॉटन टेप खोलते हैं, इसका यही कारण होता है हमें अंदर से कोयल देखने का, कई बार ऐसा होता है कि कोयल हीट हो जाती है पर फिर भी चलती रहती है, क्योंकि हीट होने के बाद भी बस वो काली पड़ जाएगी और वो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं करेगी। थोड़ी सी दिक्कत यह है जो उसका सोल्यूशन है, जो उसका वार्निश होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो जब चलती है तो दोनों में मतलब कम रेजिस्टेंस हो जाती है, कम रेजिस्टेंस होने के बाद चलने के बाद तो वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत करने लगती है, जिससे कि हमें पता नहीं चलता कि किसका फॉल्ट है। क्योंकि हमारा जनरेटर करंट तो बना रहा होता है पर कम बना रहा होता है, या अन्य और दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इन चीज़ों पर कितनी बार मैंने अल्टरनेटर खोल रखे हैं, हर उस पर वीडियो मैंने बना रखी है, पर आप हमारी जो पीछे हमने वीडियो की रखी है वो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और ज़्यादा आपकी समझ में आएगा कि किस में क्या फॉल्ट होता है। तो देखिए इसका हमने सारी इसकी टेप जो भी है कॉटन टेप हमने उतार ली है। कॉटन टेप उतारने के बाद आप देखें जो इसकी पतली और मोटी, आप देखें बीच का पेपर झड़ चुका है जिसकी वजह से वो चिपकी हुई है, पर ये सारी कोयल सही है। तो आप ये देखें ऊपर निशान है, इनमें देखें जो ऊपर निशान है ये निशान की तरफ ही कनेक्शन होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से हम अल्टरनेटर पोल खोलते हैं और किस तरीके से इसमें लगाते हैं और किस तरफ कनेक्शन रहते हैं हमारे, क्योंकि पोल पर निशान होता है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बारीकी से बता रखा है। इसे मैंने ये बताया जिस तरफ निशान होंगे उस तरफ कनेक्शन होंगे। अब ये देखें हमने खोल लिया है, अब ये देखें इसमें पेपर सही लग रहा है। तो अब इसका यही है कि इसमें जब हम खोलते हैं तो कोई काली तो नहीं हो रही, हीट तो नहीं हो रही, क्योंकि तार कई बार ये काला हो जाता है लाल की जगह। और अब कुछ लोग हमें कहेंगे कि जी वो तो कलर, तार का कलर भी कुछ ऐसे ही आता है, तो ये कलर भी ऐसे ही आता है पर पॉलिसी होती है उसकी कलर की ऐसी आती है काली की तरह, पर जो उसमें होती है इसमें जैसे कि हीट होगी तो वो बीच बीच में से होगी या एक जगह से होगी, ये नहीं कि सारा होगा, क्योंकि बीच में से हो जाएगी और बगल बगल का सही रहेगा, तो उस चीज़ में भी हीट का काफ़ी पता चलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से हम देखें। तो इसकी देखें ओम कितनी है, तो इसकी देखें हम बजर उस पर ले जा कर और इसकी ओम हम चेक करते हैं कितनी ओम बना रहा है, तो रेजिस्टेंस इसकी चेक करनी है। और इस तरीके से आप बजर मोड पे करके और इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो कितनी आ रही है। तो सेम जितनी भी हमारी चार फील्ड है सेम आनी चाहिए, जैसे कि इसकी आ रही है 38, जैसे इसकी 38 आ रही है, 38 की आप किसी की 40 भी आ सकती है, 41, 40, 38, 38 इस तरीके से आएगी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से हमारी चारों की रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो ये हमने फील्ड हमारी हो गई, हमने स्लिप लगा के इसको कॉटन टेप दोबारा कर दी, क्योंकि ये हमारी फील्ड सही थी। अब हम इसको पेपर लगा के जो नीचे हमारी फील्ड सही है उसको हम पेपर लगा के और पेपर अच्छे तरीके से कटिंग करके जो हमारी कोर पे, आप ये ध्यान रखें जब भी जब फील्ड को लगाएं ये कनेक्शन साइड में होने चाहिए, ना नीचे दबने चाहिए ना ऊपर दबने चाहिए। और ये पेपर है, जो पेपर हमारी कोर पे बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए, जिससे कि ये हमारे पोल से शॉर्ट ना हो बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें पोल में हम ध्यान नहीं देते, घिसन लग जाती है और बाद में हल्की हल्की अर्थिंग आती है जब सीलन का वो टाइम आता है। तो इसमें अच्छी तरीके से पेपर ये नीचे तक जाना चाहिए,
ये पेपर नीचे तक कोर तक जाएगा और जब ये फील्ड जहाँ पेपर पे ही लगनी चाहिए, इस पे लोहे पे नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस पोल को हम अच्छे से बिठा देते हैं जिससे कि, और कनेक्शन आपको ध्यान ही है जिस तरफ निशान है, नाम लिखा है या निशान लग रहे हैं, पॉइंट लग रहे हैं, कुछ भी है उसी तरफ हमें ये करनी है। जब किसी में निशान नहीं लग रहे तो उसकी वीडियो हमने बना रखी है, वो आप देख सकते हैं कि निशान नहीं है तो पोल कैसे फिट करें। तो देखें ये हमारी बिल्कुल सही है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारी फील्ड ढीली नहीं होनी चाहिए। अब हमने पोल में तो लगा दी है पर इसमें हमारी ढीली नहीं होनी चाहिए। जो ढीली होगी तो ये वाइब्रेट और करेगा जनरेटर, तो ये ढीली होकर कट जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो मतलब 2-3 महीने में ही हमारा दोबारा अर्थिंग हो जाएगा, दोबारा शॉर्टिंग दिखाएगा, फिर हम पे कंप्लेंट आ जाएगी। तो आपको ध्यान से रखना है कि इसमें शॉर्टिंग ना हो और ये ढीली ना हो बिल्कुल भी। ढीली होती है तो आप एक पेपर होल लपेट सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये इसमें ऊपर निशान है, यहाँ पे निशान लग रहा है, इसी तरफ हमारे कनेक्शन है। तो ये आपको इस तरफ क्या है तो उसी हिसाब से मैं बता देता हूँ कि आप किसी चीज़ को ना भूलें और ध्यान से किसी काम को ध्यान। आप जिसको भी कोई चीज़ बना कर दे रहे हो तो वो कस्टमर खुश रहे और आगे तक के लिए आपका काम बना रहे। और ये पेपर आपको साइड में रखना है और ये इसमें हमारे पोल में नहीं दबना चाहिए, जो कोर है हमारी इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर आएगा तो ये हमारा रूटर जो है इसमें रगड़ के मतलब टाइट हो जाएगा। और कई कमेंट आए कि हमारा उसमें हमने फील्ड बनाई थी और रूटर टाइट हो रहा है तो क्या करें। तो यही कारण होता है कि पेपर कई बार पेपर फंस जाता है इसमें, और हमारा इसमें जैसे कि जंग लगा रहता है बॉडी में, और जो बॉडी का जंग छुटाते नहीं हम रेगमार से, और ना छुटाने कारण तो भी हमारा ये टाइट हो जाता है। तो ये देखें हमने इसका अच्छी तरह से जहाँ पोल लग रहे हैं वहाँ से रेगमार मार लिया है और हमने ये पोल फिट कर लिया है। देखें पोल फिट हो गई है, और फिट होने के बाद अब इसमें हम 2 और फिट करेंगे और उसके बाद हम आपको इसे करंट निकाल के और चला के दिखाएंगे। तो देखें निशान भी इसके ऊपर ही है और ये हमारा देखें 55 55 55 55 लिखा है इस पर, और ये देखें हमारा शेड है वही यहाँ भी 55 55 लिखा है। तो आप देखें दोनों मैचिंग हो गया है, और जो अदर कहीं लगेगा कोई सा पोल तो हमारा रूटर टाइट हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि रूटर हम लगा तो देंगे, लग जाएगा पर वो घूमेगा नहीं, टाइट हो जाएगा, फंस जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस में क्या दिक्कत है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ यही नंबर है, और इस नंबर को देख के ही आपको इसको देखना है। अब आपको वीडियो कैसी लगी आप बताएं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में जल्दी गिरूँगा और आपको इसमें कुछ नया और सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो भी वीडियो देखोगे उसमें नया ही सीखने को मिलेगा। तो इसलिए ठीक है दोस्तों, तो इसके कनेक्शन भी दिखाऊंगा मैं, सब चीज़ दिखाऊंगा। वीडियो देखने धन्यवाद। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जो दूसरों की मदद हो सके।